ये यार 1 साल हो गया जिम करते हुए, बट चेस्ट ही ग्रो नहीं हो रही। आप बताओ क्या करूं। 3x टू ग्रो योर चेस्ट। नंबर 1, स्टॉप डूइंग पुशअप्स बिफोर योर चेस्ट वर्कआउट। चेस्ट वर्कआउट से पहले 70-80 पुशअप लगाने से होगा क्या कि आप अपनी चेस्ट ट्रेनिंग में अपना 100% बिल्कुल भी नहीं दे पाओगे। जिस वेट से आप 10 रेप लगा सकते हैं, तो उधर आप 7-8 रेप्स ही लगा पाओगे, जिससे आपकी ट्रेनिंग वॉल्यूम कम हो जाएगी, प्रोग्रेस ओवरलोड करने में दिक्कत आएगी। तो पुशअप से ज्यादा बेटर ऑप्शन ये रहेगा कि आप अपने वर्किंग सेट से पहले वार्म अप सेट ले लो लाइट वेट से हर एक्सरसाइज पे। नंबर 2, फोकस मोर ऑन योर अपर चेस्ट। 80% लोगों की रहती है अपर चेस्ट ज्यादा वीक, यानी कि आपको चेस्ट वर्कआउट के स्टार्टिंग में ही लेनी है अपर चेस्ट की एक्सरसाइज। फर्स्ट 6 वीक्स तक आपको परफॉर्म करना है 15 डिग्री एंगल पे इंक्लाइन बेंच डंबल प्रेस। नेक्स्ट 6 वीक्स में आपको 30 डिग्री एंगल पे परफॉर्म करना है एंड प्रोग्रेसिव ओवरलोड पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना है। इससे आपकी अपर चेस्ट बहुत अच्छी तरीके से ग्रो हो जाएगी। नंबर 3, इंप्रूव योर पोस्चर व्हाइल डूइंग चेस्ट एक्सरसाइजेस। आपको हमेशा अपनी चेस्ट को अप करना है, स्कैपुला रिट्रैक्ट करना है, यानी कि शोल्डर ब्रिगेट्स को आपको पीछे की तरफ करना है ऐसे, और फिर आपको एक्सरसाइज करने जानी है। इससे आपके शोल्डर और ट्राइसेप की इंगेजमेंट कम से कम होगी एक्सरसाइज परफॉर्म करते हुए, और आपके चेस्ट पर लोड ज्यादा से ज्यादा आएगा, जिससे ग्रोथ भी ज्यादा अच्छी मिलेगी।